मैं हूँ आदित्य। आदित्य जी आइए ना। सुबह से काफी सारे सीन कर लिए तुमने, यहाँ थक तो नहीं गई? नहीं नहीं थकी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ कि आगे जाके सारे सीन्स अच्छे से कर भी पाऊंगी या नहीं। कर पाऊंगी मतलब? कर रही हो तुम और काफी अच्छा कर रही हो। आदित्य आप खड़े क्यों, आप बैठिए ना, ये लीजिए। एक मिनट, यहाँ तुम बैठो, मैं इस पर बैठ जाता हूँ। प्लीज सिट। और तुम ना बहुत ही कमाल का काम कर रही हो, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत चलने वाली है, देखना। आदित्य प्लीज बेफिजूल में मेरी उम्मीदों को पंख मत दीजिए। ओह हेलो, मैं ऐसे ना कुछ भी नहीं बोलता हूँ। देखो इंडस्ट्री में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत कमाल की फैन फॉलोइंग है, और तुम एक फ्रेश फेस हो। और आज आदित्य और झनक के बीच की बॉन्डिंग में भी ताकत तो दिखती है दोस्ती की। नए चेहरे की अहमियत ना ये इंडस्ट्री वाले समझते हैं। और एक वो गट फीलिंग होती है ना, वो आ रही है मुझे। एक्चुअली ना झनक, तुम्हारे साथ में एक्टिंग करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वैसे तुम्हारी जो लाइफ और हमारी जो फिल्म की कहानी ना, काफी मेल का। I'm sorry, मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया लेकिन गलती से निकल। एनीवेज एक गुड न्यूज देनी थी तुम्हें, उसी के लिए तुमसे मिलने आया यहाँ। गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज? तुम्हें याद है ना कोलकाता एड शूट, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे? जी, और उस एड का श्रेय सर जी को जाता है। और अब सर जी का नाम तो आना ही था, तो आदित्य का रिएक्शन भी वैसा ही है। उन्होंने ही तो सब कुछ। आई नो कि अनिरुद्ध के वजह से तुम उस सेट पर आई थी, लेकिन अगर तुम अच्छा काम नहीं करती तो क्या वो फिर से तुम्हें कांटेक्ट करते? पर उन्होंने मुझे कांटेक्ट ही कहाँ किया है? किया होगा जनक, शायद हो सकता है तुमसे उनका कॉल मिस हो गया हो। वेल, उनका कॉल मुझे आया था, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वो लोग हम दोनों के साथ में फिर से काम करना चाहते हैं, उसके लिए मैं कोलकाता जाना होगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। और अब एकाएक झनक की स्माइल तो गायब हो जाती है कोलकाता का नाम सुनते ही। कोलकाता? नहीं। क्यों नहीं भाई? ओके, वहां पर अनिरुद्ध रहता है इसलिए। लुक जनक, कोलकाता ना अनिरुद्ध की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और क्या कभी अनिरुद्ध को मुंबई में काम होगा तो क्या वो नहीं आएगा यहाँ? माफ कीजिएगा लेकिन मुझे उन लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया है। जनक, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है और वो आज तुम्हें भी कॉल कर लेंगे। मतलब आपने उन्हें मेरे बारे में बताया? ऑफ कोर्स नॉट यार जनक। देखिए आदित्य, झूठ मत बोलिए, मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, इतना तो मुझे समझ में आता है कि मैं कोई बिग शॉट नहीं हूँ, कि मेरे बिना उनका काम नहीं चलेगा। आपने जरूर उन्हें बताया है, आपने ऐसा क्यों किया आदित्य? आपने रिक्वेस्ट की होगी ना मेरे लिए? जनक प्लीज यार, यकीन करो मुझ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें बता देता ना। आदित्य मैंने कहा ना झूठ मत बोलिए। ओके ठीक है, अगली बार जब उनका कॉल आएगा तब तुम खुद उनसे पूछ लेना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। पर झनक को पता है कि आदित्य ही उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अपने नाम और शोहरत के बदौलत। लुक झनक, तुम्हें कोलकाता जाना है या नहीं जाना वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे इस फिल्म शूट के बीच में हमें थोड़े वक्त मिलने वाले। एक्चुअली ये लोग एक आउटडोर शूट के लिए जा रहे हैं, जिनका छोटा सा शेड्यूल है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हीं दिन में अपना एड शूट भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक बार एड शूट वालों से बात कर लूंगा, वो लोग डेट मैनेज कर लेंगे। एंड प्लीज प्लीज तुम इस काम के लिए मना मत करना। अब काम तो करना ही है ना जनक, काम करने के लिए तो कहीं भी जाना पड़ सकता है यार, कोलकाता या कनाडा, क्या फर्क पड़ता है? आप समझते क्यों नहीं है आदित्य, मैं उस शहर में नहीं जाना चाहती हूँ, वो कोई मामूली शहर नहीं है मेरे लिए। इतने वक्त तक रही हूँ मैं, और वहाँ के लोग, उन लोगों से ना मिलूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। और अब जहाँ झनक आदित्य को वजह बता रही है, वहीं आदित्य के पास भी
हाजिरी जवाब तो होगा ही। सर जी से मैं नहीं मिलना चाहती, उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन लेकिन वहाँ पे उनके अलावा और भी लोग हैं, जैसे कि बड़ो माँ, अपू दी, जेठू, छोटौन, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो अच्छा है ना, अरे भाई वहाँ पर जाके उन सब से भी मिल लेना। और हाँ, तुम्हारी अपू दी की तो शादी भी हो गई ना, बढ़िया है ना जाना, वो अपने ससुराल चली हो गई होगी, तुम अच्छे से जाके उनसे मिल लोगे। मैं कोलकाता नहीं जाना चाहती हूँ। ओके, मतलब कि तुम्हें ये काम नहीं चाहिए, राइट? तो सीधा सीधा बोलो ना यार जनक कि तुम्हें ये काम नहीं चाहिए। और अब फिर फंस जाती है जनक, काम तो उसे चाहिए, पैसा चुकता जो करना है, बहुत काम चाहिए, पर कोलकाता ही क्यों? कहीं एक बार फिर अनी से मुलाकात हो गई तो? अब आगे देखते रहिए कि क्या जनक मानेगी वो शहर में एक बार फिर से जाना, जहां बसता है उसका दिल, उसके सरजी रहते हैं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स के लिए यहीं पर।